ये है जी वैष्णो दत्त जी का हलवे का स्टॉल और लोग सुबह यहाँ 4:30 बजे से लाइनें लगाते हैं इनका देसी घी वाला हलवा खाने के लिए। ये रोजाना बेचते हैं 40 से 50 किलो हलवा और वो भी सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में। और अगर ये देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। देखिए जी बहुत मुश्किल से मेरे को थोड़ा सा समय मिला है इनसे बात करने के लिए क्योंकि ये सुपर बिजी रहते हैं और 70 साल हो चुके हैं इनको यहाँ पे ये हलवा बेचते हुए। अपने फादर साहब पहले इनके लगाते थे 1950 में और अब ये यहाँ पे हलवा बेच रहे हैं। अंकल नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम रक्षित सर। तो कब से कर रहे हैं जी ये काम? ये 70 साल हो गए। 1950 में चालू किया था फर्स्ट में 70 साल हो गए। अरे क्या बात है। और कितना किलो हलवा बनाते हैं जी आप रोजाना? ये पहले ज़्यादा बनता था, लॉकडाउन की वजह से कम हो गया, 20-30-40 किलो इतने बनता है। तो ये देखिए जी हलवे की जो खुरचड़ होती है वो ये उसको निकाल के देते हैं आपको। बहुत ज़्यादा करारा होता है ये हलवा और बहुत ज़्यादा देसी घी से लपालपी। देखिए कितना टेम्पटिंग और कितना ये माउथ वाटरिंग लग रहा है ये हलवा और बहुत ही लाजवाब इसका स्वाद है। देखिए जी बिल्कुल एकदम खुरचन जो हलवे की है वो यहाँ पे निकाल रहे हैं और ये 20 रुपये का एक पत्ता है जो यहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं। 20 रुपये में सबसे बेहतरीन आपको ये जो हलवा है वो मिलेगा। जी गर्मियों के अंदर ये जो हलवा है वो लगभग 40 किलो लेके आते हैं और जो पीछे आप वो 2 ड्रम देख रहे हैं उसके अंदर आता है जी 40 किलो हलवा और ये 40 किलो हलवा लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा निपट जाता है। अच्छा और कितने बजे शुरू हो जाती है जी आप हलवा बनाना घर पे? सुबह 3 बजे सूजी में चाशनी डालते हैं हम। इतनी शीटेज होती है हम कि उसका टेम्परेचर हम खुद बर्दाश्त करते हैं। अच्छा तो टेम्परेचर 50 होगा फिर हम बर्दाश्त कर लेंगे। 50 से मोर देन 50 होगा क्या होते हैं वो बर्दाश्त नहीं होता। कई बार हाथ जल जाते हैं बाकी अस्सी छोड़ेंगे पतीले के छोड़ेंगे तो खुद अपने ऊपर गिर जाएगा। उसके बाद बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसलिए। और कल कहाँ पे खड़े होते हैं जरा बताएं अगर किसी को आना हो तो? भैया सिटी चौक, सिटी चौक पे खड़े होते हैं। भारत माता चौक उसको नाम चेंज कर दिया। और ये सूजी का हलवा होता है जी? ये सूजी मैदा घी चीनी। अच्छा जी। तो ये देखिए जी जो आप यहाँ पे लोगों की भीड़ देख रहे हैं दरअसल ये भीड़ सुबह 5 बजे से यहाँ पे लगनी शुरू होती है और जब तक इनका हलवा ख़त्म नहीं हो जाता यहाँ पे इसी तरीके से इनका हलवा खाने के लिए जो भीड़ है वो लगी रहती है। तो ये देखिए जी लोग यहाँ पे अपने घरों से कैसरोल्स तक लेके आते हैं हलवा डलवाने के लिए और एक एक दो दो किलो मैंने देखा है लोग हलवा यहाँ से लेके जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और देखी कि यहाँ पे लोग 50-50 किलोमीटर दूर से भी आते हैं हलवा लेने के लिए। यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं मेरे ख्याल से सब ने इनका हलवा तो एक ना एक बार ज़रूर खाया होगा। देखिए जी पूरा हलवा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, सवा चट हो चुका है, लेकिन ये जो लास्ट लॉट है ना जो लास्ट क्वेश्चन है ये अंकल खुद खाते हैं। अंकल आप खुद क्यों खाते हो अपना हलवा? देखो जब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को हलवा खिलाते हैं जब हम खुद खाएंगे लोगों को पता लगेगा कि कितनी शुद्धता से बनाया है इसको और गंदी चीज़ बनाई होगी हम खुद खाएंगे नहीं। क्या बात है। कभी भी अगर आप जम्मू आए ना इन अंकल के पास ज़रूर आइएगा, सिटी चौक पे बैठते हैं और इनका हलवा खा के जाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। भाई ये देखो कितना ही ज़्यादा लाजवाब ये हलवा लग रहा है और आई एम श्योर ये देख के आपके मुंह में बहुत सारा पानी आ रहा होगा। और ये है जी खुरचन जो कि ये हलवे के नीचे से निकालते हैं और यही है सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट पार्ट इस हलवे का। भाई मेरे मुंह में ताला लग चुका है, मेरे को पास कुछ नहीं है बोलने को। आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट हलवा है जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक खाया है। अगर आप जम्मू आए ना और अगर आप इनके पास नहीं आए ना ज़िंदगी भर आप अपने आप को माफ़ मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा हलवा मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिलेगा। बताइएगा आपको मेरी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी क्योंकि इस हलवे के जैसा हलवा आप ज़िंदगी भर नहीं खाने वाले, मेरी गारंटी।